गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोलैडी विलियनो के दो टाइप्स अपन ने पढ़ लिए थे, एक पढ़ा था सॉल, दूसरा पढ़ा था इमल्सन। आज कोलैडी विलियन का तीसरा टाइप पढ़ते हैं जेल। जेल जो होता है, उस जेल के अंदर एक सेमी सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, ये एक गाढ़ा द्रव होता है। ये जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने जेली देखी होगी, अगार अगार देखा होगा। इस प्रकार से जो जेल है, वो जेल भी एक हेटेरोजीनस कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें एक अर्ध ठोस अवस्था सेमी सॉलिड स्टेट पाई जाती है। अब जो जेल होते हैं, उस जेल के अगर एग्जाम्पल लिए जाए, तो जेल के एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जल में सिलिसिलिक अम्ल का जेल, सिलिसिलिक एसिड इन वॉटर, तो इस प्रकार से इससे जेल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जल के अंदर जो सोडियम ऑलिएट है, उसको मिलाते हैं तो भी जेल बनता है। सोडियम ऑलिएट इन वॉटर, इसी प्रकार से जैसे कि जिलेटिन है, उसको भी जल में घोलते हैं, जिलेटिन इन वॉटर। इसके अलावा जो अगार अगार आता है, वो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, जेल के एग्जाम्पल है, जिसमें एक सेमी सॉलिड स्टेट जो है, वो सेमी सॉलिड स्टेट पाई जाती है। अब जो जेल होते हैं, जेल और जेली, इसको जेली भी कह सकते हैं, इसका सामान्य नाम इसका जेली भी है। जेल कहो जेली कहो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जेल का जो क्लासिफिकेशन है, वो इसके गुणों के आधार पर मुख्य रूप से अगर करें क्लासिफिकेशन ऑफ जेल, अगर इसके गुणों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो एक जो जेल होता है वो होता है इलास्टिक जेल। कौन सा होता है? इलास्टिक जेल होता है, जिसको रिवर्सिबल जेल भी कहते हैं, रिवर्सिबल जेल। ये जो इलास्टिक जेल है, इस इलास्टिक जेल के अंदर इलास्टिसिटी का गुण होता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब ये जो जेल है, इस जेल के जो आकार है, उस आकार में वी कैन चेंज, जब उसके आकार को आप चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन उस समय के पश्चात अपनी जो इनिशियल स्टेट है, उस इनिशियल स्टेट के अंदर पुनः ही आ जाता है। जिस प्रकार से जो रबर होता है, उस रबर को अपन फोर्स लगाते खींचते हैं, तो उसकी आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उसको छोड़ा जाता है तो पुनः ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। उस रबर के समान ही इसके अंदर भी कौन सा गुण पाया जाता है, इलास्टिक नेचर पाया जाता है। अर्थात ये जो जेल होते हैं, इसकी स्थिति आकार में यदि परिवर्तन करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। इसी कारण से इसको रिवर्सिबल जेल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि इसके अंदर
परिवर्तन करने के पश्चात पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि ये सपोज इस टाइप में था, इसको परिवर्तित करके किस में बदला, बी में, कुछ समय के पश्चात ये पुनः ही किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। इसी कारण से इसको रिवर्सिबल जेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये जो जेल है, इस जेल के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही लचीला बॉन्ड होता है, इलास्टिक बॉन्ड पाया जाता है, और इस इलास्टिक बॉन्ड के कारण ही इस प्रकार की जो कंडीशन है वो इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। इस प्रकार के जेल का जो निर्माण है वो निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसके निर्माण के लिए जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन को ठंडा किया जाता है निम्न ताप पर। जब ठंडा करते हैं तो कोलाइडी विलयन किस में परिवर्तित हो जाता है, इस जेल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अगर एग्जांपल देखें इसके, तो जिलेटिन है, अगार अगार है, वो इसी प्रकार के एग्जांपल हैं। कौन से? जिलेटिन होता है, अगार अगार जो है, ये इसी प्रकार के जो जेल है वो जेल होते हैं। इसके अलावा जेल का जो दूसरा टाइप से है वो दूसरा टाइप कौन सा है, नॉन इलास्टिक जेल है। दूसरा जो इसका टाइप से है वो है नॉन इलास्टिक जेल। दूसरा जो प्रकार है वो है नॉन इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जो जेल है जिसको इरिवर्सिबल जेल भी कहते हैं, इरिवर्सिबल जेल भी कहते हैं। और इस प्रकार की जेल जो है इसके अंदर जो इलास्टिक नेचर है वो इलास्टिक नेचर नहीं होता है। ये जो जेल होते हैं एक तो हार्ड होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर सॉलिड स्टेट के रूप में दृढ़ कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। ये इस प्रकार से इसकी जो विशेषताएं वो विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा इस प्रकार के जो जेल है, इस जेल में यदि अगर परिवर्तन किया जाए, आप कोई चेंज करोगे तो ये चेंज तो हो जाएगा, लेकिन स्वतः ही ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है, अर्थात इसके अंदर इलास्टिक नेचर नहीं होने के कारण इसको नॉन इलास्टिक जेल भी कहते हैं। दूसरा है ये अनुक्रमणीय प्रकृति का होता है, मतलब विपरीत दिशा के अंदर इसकी अभिक्रियाएं नहीं होती है, विपरीत दिशा में नहीं होता है, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, इसलिए इसको इरिवर्सिबल जेल भी कहते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो जेल है, कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो जेल होता है वो इसी प्रकार का जेल है, नॉन इलास्टिक जेल ही कहलाता है। तीसरा जो जेल होता है वो होता है थिक्सोट्रोपिक जेल होता है, थिक्सोट्रोपिक जेल। इस प्रकार के थिक्सोट्रोपिक जो जेल है, उस थिक्सोट्रोपिक जेल के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के जेल को जब तेजी से हिलाया जाता है, थिक्सोट्रोपिक इस प्रकार की जेल, ये जैसे कि कोई जेल है, अगर इस जेल को अच्छी तरह से क्या किया जाए, हिलाया जाए, अगर इसको अच्छी तरह से क्या करोगे, शेकिंग करोगे, तो यही जो जेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये जो जेल का सॉल में बदलना और सॉल का जेल में बदलना जो कहलाता है, इसको कहते हैं थिक्सोट्रोपिक जेल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जेल को मुख्य रूप से तीन क्लासों में बांटा है, एक इलास्टिक जेल, एक नॉन इलास्टिक जेल, और तीसरा जो जेल होता है वो होता है थिक्सोट्रोपिक जेल। जैसे कि जल में जिलेटिन है, जल में अगार अगार है, अगर जिलेटिन को वॉटर में मिलाया जाए, जिलेटिन इन वॉटर, जिलेटिन अगार अगार इन वॉटर, अगार अगार इन वॉटर, ये इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल इसमें आते हैं, थिक्सोट्रोपिक जेल के अंदर आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था टाइप्स ऑफ जेल या क्लासिफिकेशन ऑफ जेल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेल। थैंक यू।